Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के महान कप्तान और भारतीय टीम के पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले कपिल देव को पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका सफल क्रोनरी एंजियोप्लास्टी की गई थी। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव अब अपने घर लौट आए हैं। दिग्गज कपिल देव ने एंजियोप्लास्टी करवाने के एक सप्ताह बाद गुरुवार को 1983 विश्व कप विजेता टीम के अपने साथियों का अभिवादन करते हुए कहा कि वो अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और वो सभी से फिर मिलने के लिए बेताब हैं। इस 61 वर्षीय खिलाड़ी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई थी। उन्होंने दो दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। एंजियोप्लास्टी बंद हुई धमनियों को खोलने की प्रक्रिया है, जिसमें हृदय में सामान्य रक्त प्रवाह बनाए रहे। कपिल ने कहा कि 1983 का मेरा परिवार, मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, क्या कहें, बहुत दिल कर रहा आप सबसे मिलने को। और इसी के साथ बोल रहे थे कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए फिर से आभार। बैंगनी रंग की टी शर्ट पहने कपिल ने ये वीडियो 1983 के अपने साथियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। 83 मौसम सुहाना है, दिल का सुहाना है, क्या कहें, बहुत दिल कर रहा है आप सबको मिलने का, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर विशेज वंस अगेन एंड योर कंसर्न। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मिलेंगे। आई डोंट नो मूवी कब रिलीज़ होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मिलने की। ये साल का अंत आने को है, लेकिन शुरुआत और भी बेहतर होगी। लव यू ऑल।